दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की नई बोलेरो मैक्स के बारे में, और इसका वीडियो बनाने के लिए मैं इंदौर में आया हुआ हूँ, राजीव गांधी स्क्वायर के पास में आहूजा अभिकरण, जो कि महिंद्रा के काफ़ी बड़े डीलर हैं। तो दोस्तों आज हम इस नई गाड़ी के बारे में आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे, इसकी क्या कीमत पड़ती है, क्या ऑन रोड कीमत रहेगी, क्या माइलेज रहेगा, गाड़ी के ऊपर अगर कोई ऑफर वगैरह चल रहा है तो उस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे आप इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो आप महिंद्रा की इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए आहूजा अभिकरण पर एक बार ज़रूर पधारिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी फ्रंट ग्रिल की, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी स्पोर्टी जो है इसके अंदर ग्रिल प्रोवाइड की गई है, महिंद्रा का सिग्नेचर लोगो है। नीचे आप देख सकते हैं आहूजा ऑटो अभिकरण की ब्रांडिंग यहाँ पर हो रखी है, और सामने से दोस्तों ये जो गाड़ी है काफ़ी खूबसूरत हमें यहाँ पर जो है रोड प्रेजेंस देने वाली है। नए हेडलैम्प दिए गए हैं जो कि हैलोजन बेस्ड हैं, और इनको कंपनी का कहना है कि स्टैटिक बैंड ये जो है हेडलैम्प आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर है, और यहाँ पर आपकी पार्किंग लाइट है, तो काफ़ी खूबसूरत कंसोल के साथ में जो है आपके इसके जो है हेडलैम्प दिखाई देंगे। और नीचे की साइड में आप जो है देख सकते हैं फॉग लैंप लगाने का प्रावधान भी है, और आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी विंडशील्ड प्रोवाइड की गई है दो वाइपर के साथ में, और यहीं पर आपको पानी का वॉशर भी देखने के लिए मिल जाता है जिससे कि आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों इन गाड़ियों को आप जो है केबिन विद चेसिस भी परचेज कर सकते हैं, और केबिन विद कार्गो बॉडी भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर प्रावधान अवेलेबल होते हैं। इस साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर काफ़ी बड़े ORVM दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बोलेरो मैक्स की ब्रांडिंग है, बोलेरो मैक्स पिकअप की, और साइड में भी आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे जिससे कि आपकी सेफ्टी इनहेंस होती है। अब अगर हम टायर साइज़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 15 इंची के जो है इसके अंदर स्टील व्हील रिम के साथ में आने वाले टायर प्रोवाइड किए गए हैं। ड्राइवर को ऊपर चढ़ने के लिए केबिन के अंदर फुट पैड दिया गया है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं आपको मड फ्लैप भी यहाँ पर मिलते हैं, एसेसरीज के रूप में आप इनको लगा सकते हैं। और केबिन के अंदर दोस्तों एक नया बदलाव कंपनी के द्वारा जो किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले हम आपको इसका जो कार्गो स्पेस है वो दिखा देते हैं। केबिन के अगर आप इस साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलती है सिटी 3000 LX की ब्रांडिंग, और एक इसका आता है VX मॉडल जिसके अंदर आपको जो है और कुछ लग्जरी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों महिंद्रा ने अपनी इन गाड़ियों के अंदर IMEX टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी गाड़ियों को ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर जो है मोबाइल के अंदर एक ऐप को इंस्टॉल करना है और आप अपनी गाड़ी को जो है ट्रेस कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है। और यहाँ पर ये जो है केबिन है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। इसका जो कार्गो स्पेस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 8.2 फीट इसकी लंबाई है, और 5.9 फीट के आसपास इसकी आपको यहाँ पर जो है चौड़ाई मिल जाती है। अगर दोस्तों हम इसके पेलोड की बात करें तो यहाँ पर जो है आप 1300 kg का ऑफिशियल पेलोड पाते हैं इस गाड़ी के साथ में, और हालांकि दोस्तों आप जो है 1.5 से 2 टन का भी माल लेके जाएंगे तो गाड़ी आपकी जो है कभी भी दम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि महिंद्रा एक ऐसी गाड़ियाँ बनाता है जिसके अंदर आपको बेहतरीन पावर और पिकअप जो है देखने के लिए मिलता है। पीछे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टर दिया गया है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है जिससे कि आप गाड़ी को अकेले ही इजीली रिवर्स कर पाते हैं। सेंटर माउंटेड आपको इसका स्पेयर व्हील यहाँ पर दिया गया है जिससे कि गाड़ी की जो है स्टेबिलिटी भी शानदार बनी रहती है, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो पीछे से दोस्तों अगर आप देखते हैं तो बोलेरो इस तरह की दिखाई देगी, जहाँ पर केबिन की पीछे की साइड में आपको एक विंडो भी दिया गया है जिससे कि आप हवा रोशनी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है इसके डाले को ईजिली खोल करके और जो है काफ़ी लंबाई में जो है अपना सामान यहाँ पर जो है लोड करके लेके जा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन जो है कमानी पट्टे का सस्पेंशन दिया है। मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरस्लंग आपको इसके अंदर जो है सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया है, जो कि अच्छा आपको ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पीछे की साइड में आपको 6 कमानी पट्टे दिए हैं, और आगे की साइड में आपको जो है 7 कमानी पट्टे गाड़ी के साथ में सस्पेंशन के रूप में जो है प्रोवाइड किए गए हैं। और इसका जो फ्यूल टैंक है उसको भी सेंटर में ही रखा है कंपनी के द्वारा, जिससे कि आपकी गाड़ी चलाने की जो स्टेबिलिटी है वो शानदार बनी रहती है, और आपको यहाँ पर जो है लॉक करने का भी प्रावधान है। आप 40 लीटर जो है डीजल एक साथ फिल कर लेंगे तो एक लंबी दूरी तक की यात्रा को आप इजिली कवर कर सकते हैं। आप इसका चेसिस देखिएगा दोस्तों, काफ़ी मजबूत चेसिस है महिंद्रा गाड़ियों का, जैसा कि हमेशा से आता है वैसा ही चेसिस आपको इन गाड़ियों के साथ में भी प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी गाड़ी का कार्गो स्पेस और केबिन का बाहरी रूप। अब आपको जो है इसका मैं केबिन दिखा देता हूँ अंदर से, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको काफ़ी शानदार जो है महिंद्रा की लोगों के साथ में आपको जो है इसका स्टीयरिंग मिलेगा, जो कि पावर स्टीयरिंग है। गाड़ी चलाते समय आपको काफ़ी कम्फर्ट मिलता है जब आपको गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग मिलता है, तो क्योंकि दिन रात आप गाड़ी चलाएँगे। और अगर आप पीछे देखते हैं तो विंडो है, केबिन लाइट है, दोनों ही साइड में आपको सनवाइज़र मिलेंगे,
IRVM है और काफ़ी रूमी केबिन जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसकी ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको जो है आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है आप किसी भी कदकाठी के हों आप इजीली जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को कितना अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। ABC के पैडल आप जो है ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो है वॉक थ्रू स्पेस जो है गाड़ी के अंदर मिलता है, यानी कि इस साइड से भी आप उस साइड में आसानी से निकल सकते हैं। ऐसी चीज़ का फ़ायदा आपको दोस्तों जब ज़्यादा होता है, जब आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्क कर देते हैं किसी वॉल के पास में, तो जो है आप इजीली उस साइड से भी निकल सकते हैं। मेरी लंबाई 5.8 फीट के आसपास की है और मैं आसानी से यहाँ पर बैठ सकता हूँ। और हम जो है इसका डिस्प्ले की अगर बात करें, तो फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पर जो है इसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, जो कि गाड़ी का एक जो है नया रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस तरह का जो है आपको डिस्प्ले पहले नहीं मिला करता था, जो कि आपने नई गाड़ी के अंदर देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके RPM मीटर हो गए, इस साइड में आपका फ्यूल गेज है, स्पीडोमीटर है, बीच में आपका टाइम है, ट्रिप है, ओडोमीटर है, इंजन टेम्परेचर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और डैशबोर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस है। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है इसके अंदर एक टच स्क्रीन भी दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको IMX जो फीचर है उसको आप जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है इसका डैशबोर्ड नए लुक के अंदर, काफ़ी मजबूत हैंडल है। नीचे की साइड में एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है, काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। और महिंद्रा बुलेरो मैक्स आती है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, जिसका ये गियर शिफ्ट लीवर है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बटन लगाने हैं तो उसके लिए भी स्पेस दिया है, यहाँ पर भी आप कुछ रख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कम्फर्ट का और काफ़ी स्पेशियस बना दिया है महिंद्रा ने अपनी नई बुलेरो मैक्स को। सेफ्टी LR बेल्ट है और ग्रैब हैंडल हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये केबिन है और केबिन के अंदर आपको जो है ये सारे के सारे फीचर्स जो है देखने के लिए मिलेंगे, और आप केबिन के अंदर इजीली एंट्री ले पाएँ उसके लिए आपको यहाँ पर जो है फुटपैड वगैरह कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं महिंद्रा बुलेरो मैक्स के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं इसका जो है बोनट दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं बोनट काफ़ी मजबूत है, बिल्ट क्वालिटी काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर आपको मिलता है इसके अंदर M2 DI इंजन, जो कि 4-सिलेंडर BS6 इंजन है, टर्बो चार्जर के साथ में ये मिलेगा। और इस इंजन से दोस्तों अगर हम पावर की बात करते हैं, तो 65 HP का ये इंजन है और 2523 CC का इंजन है बेसिकली। और इस इंजन से आपको जो है 195 Nm का बेहतरीन टॉर्क मिलेगा। एक अच्छी बात दोस्तों आपको महिंद्रा बुलेरो गाड़ियों के साथ में मिल जाती है, कि BS6 डीजल गाड़ी होने के बावजूद यहाँ पर आपको किसी भी तरह का AdBlue यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपकी यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी सेविंग होती है, क्योंकि AdBlue का खर्चा तो कहीं ना कहीं आपको उठाना ही पड़ता है ना बाकी गाड़ियों के अंदर, तो इसके अंदर आपको ये नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्साइट की बैटरी है और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से जो है कंपनी ने अपनी इन गाड़ियों के अंदर इंजन का फिटमेंट यहाँ पर किया है। 17.2 किलोमीटर पर लीटर डीजल के हिसाब से आपको माइलेज मिलेगा, ऐसा कहना है कंपनी का। लेकिन प्रैक्टिकल राइड के अंदर अगर हम माने, तो आपको यहाँ पर लगभग 15 से लेकर के 16 तक का माइलेज तो इजीली मिल ही जाएगा, अगर आप इसको व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं तो। दोस्तों इस गाड़ी की जो कीमत है 8,77,000 रुपये ऑन रोड है। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं, तो आप महिंद्रा के शोरूम आहूजा अभिकरण पर संपर्क कर सकते हैं, जिसकी ब्रांडिंग आप सामने भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके ऊपर चल रहे ऑफर के बारे में। तो 3 साल 90,000 किलोमीटर तक आपको जो है इस गाड़ी का कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये विशेष उपहार मिल रहा है नई बुलेरो के साथ में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।